को यूपी, बिहार और बंगाल में बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बड़ी अपडेट, 2019 के मुकाबले आधी सीटें ही सिर्फ आ रही हैं, आधी सीटों पर बढ़त है। आप देख लीजिए किस तरह से बीजेपी को 32 और आरजेडी को 7 और अन्य के खाते में 1। बिहार में फिलहाल जो इस वक्त समीकरण बैठ रहे हैं, आप देखिए, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था, एक्सपर्ट बता रहे थे कि बिहार में इस वक्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो अब अगर मुकाबला है, बिहार में मुकाबला करना है तो मुझसे कीजिए। तेजस्वी यादव बार बार ये बात कह रहे थे। और देखिए, राशन के ऊपर क्या रोजगार भारी पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव ने अपनी हर चुनावी रैली में लिया है। तो क्या ये हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वाकई अपने पिता की विरासत को संभालते हुए कड़ी टक्कर बिहार में दी है बीजेपी को? इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, दिल्ली में मुकाबला रोचक हम देख रहे हैं, चांदनी चौक सीट पर हम देख रहे हैं, इसी को लेकर लग रहा था कांटे की टक्कर होगी, बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए, चांदनी चौक में 1 वोट का फर्क है, 1 वोट से बीजेपी आगे है, और दूसरी तरफ आपको ईस्ट दिल्ली का बता दूं तो मात्र 3,000 वोटों से जो है बीजेपी आगे है। ये वो नंबर है जिनको कभी भी किसी भी राउंड में पूरा किया जा सकता है, यानी कि जिस तरीके की फाइट दिखाई जा रही थी वैसी फाइट नजर भी आ रही है जमीन पर। क्या अब एक तरीके से वेस्ट दिल्ली में जरूर मार्जिन 12,000 का पहुंच गया है, और नॉर्थ वेस्ट लगभग बीजेपी जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो तमाम बाकी सीटें हैं वहां पर उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद जो है वो इंडिया गठबंधन को नजर आ रही है। अभी तक की ये स्थिति है जहां पर ये हालात हैं। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वेस्ट दिल्ली की सीट जो थी वो लगभग 7 लाख वोट तक पहुंच गई थी, मार्जिन आप समझ सकते हैं सबसे नंबर वन पर था, वहां अभी 18,000 के करीब का आंकड़ा है। तो ऐसे ही जो अलग अलग सीट्स हैं, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट सीट को अगर छोड़ दें आप, तो दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर जो मुकाबला है वो अभी कड़ा नजर आ रहा है, और खासकर चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। यानी कि चांदनी चौक पर कांग्रेस और पूर्वी दिल्ली पर आपके कुलदीप कुमार टफ फाइट दे रहे हैं मोहित, और यहां पर ये कहा जा रहा था कि वोट बटेगा नहीं, यहां पर आप और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिलेगा, सिख वोट जो है वो यहां पर कुलदीप कुमार को मिलता दिख रहा है। लेकिन जो हर्ष मल्होत्रा है वो तो पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद भी रह चुके हैं, कहा जा रहा था कि उनका अपना एक बड़ा कैडर है वहां पर, उससे फायदा हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा मोहित। देखिए, सिर्फ निगम पार्षद नहीं बल्कि मेयर रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली, जब 3 हिस्सों में निगम थी तो 3 हिस्सों में निगम के वो मेयर थे ईस्ट दिल्ली से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था मुद्दों की राजनीति, वो होती हुई कमोवेश यहां पर नजर आ रही है, और उन्हीं के आधार पर वोट, इस बार वोट स्प्लिट नहीं हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये लीड। एक अपडेट और दे दूं, चंदौली से महेंद्र पांडे भी पीछे चल रहे हैं, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक अभी तक मिल रहा है। यह अलग बात है कि अभी तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है या आ रही है, 337 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट, विजय शर्मा हमारे मेहमान जुड़े बीजेपी से और भुवन भास्कर हैं जो समाजवादी पार्टी से। विजय शर्मा, ये 3 राज्य जहां से आप लीड लेने की सोच रहे थे, यहाँ पे क्या ऐसा कैलकुलेशन खराब होता नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप ट्रेल हो रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी इसमें कह चुका हूँ कि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी 1-1.5 बजे तक का हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से आप भी खुद बता रहे हो चांदनी चौक में 1 वोट का आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे लगता है जो हमारे आंकड़े हैं हम उसी आंकड़े तक पहुंचेंगे और यहाँ हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा जो जमीनी स्तर पे हमने फीडबैक लिया है वहां से हमें किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से हम नहीं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ विजय साहब, इसको जरा मुझे ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड है, मैं ट्रेंड ही मान के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम बता दूँ, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, ये सब आपके, नित्यानंद राय, आर के सिंह, ये सारे बड़े चेहरे आपके अभी ट्रेल कर रहे हैं सर, ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मैं वेट करता हूँ अजय उपाध्याय के पास चलता हूँ, कांग्रेस का एक बार रिएक्शन तो ले लूँ। अजय साहब, यही उम्मीद या इससे और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं?
देखिए अभी तो सच बात है कि अभी 3.5 घंटे की काउंटिंग आपकी हुई है और जो परिस्थिति है उसमें सबको पता है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आम जनता जो है इस तरह से लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है और जो रिजल्ट होगा हम सब सिरोधार रहे हम लोगों के लिए। पर एक बात जरूर है, जो घमंड करते थे जनता की तानाशाही जनता पर तानाशाही लादना चाहते थे उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे और जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सत्ता पक्ष मजाक उड़ाता था आज जनता ने बता दिया है कि महंगाई से लड़ाई जरूर जारी रहेगी। भाई अब तो ईवीएम या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा नहीं करिए ना, अभी तो दिख रहा है ना कि भाई कांटे की टक्कर है, अब तो सब ठीक है ना उधर। नहीं नहीं इलेक्शन कमीशन रोहित भाई इलेक्शन कमीशन ने जो खेल किया है और जो दिख रहा है उसका 118 शिकायतों में एक भी शिकायत का निवारण नहीं और कल जिस तरह से वो नैरेटिव चलाने का प्रयास किया मैं कहता हूँ चुनाव आयोग खुद फेक नैरेटिव का शिकार है और हिस्सा है और जिस तरह से वो लगातार एम्पायर के बदले सत्ता पक्ष की भूमिका में आकर खड़ा हो गया कल ये दर्शा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश की जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद ही सभी पार्टियों के लिए सिरोधार रहे हैं। अब जो जनता आशीर्वाद दे रही है अजय जी, उस आशीर्वाद को तो लेंगे ना, जो जनता आशीर्वाद दे रही है अभी जो रुझान लग रहे हैं उसको तो आप स्वीकार ही रहे हैं ना, उससे तो आपको राहत ही मिल रही है। आप सोचिए ना उत्तर प्रदेश राजस्थान को छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रही थी दिल्ली में आप लोगों का खाता खुल रहा है, दिल्ली से ऐसी खबर आ रही है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अब छोड़ दीजिए ईवीएम चुनाव आयोग पर मत जाइए। पायोधी जी दिल्ली की बात आप कर रही हैं, दिल्ली में हम नेक टू नेक जरूर हैं और देखिएगा 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, अंतिम रिजल्ट जब आएगा और जनता जो आशीर्वाद देती है विनम्रता से कांग्रेस पार्टी उदारता से हम इंडिया गठबंधन इसको स्वीकारेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जरूर जो प्रश्न किए जा रहे हैं वो प्रश्न वैलिड तब भी थे आज भी और कल भी रहेंगे। विजय जी मैं जवाब लूंगा लेकिन एक 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन वापस आ रहा हूं। ये कैसा जुनून है, ये क्या खुशबू है, ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। तो आप देख रहे हैं लगातार और इस वक्त जो एनडीए है वो 297 और इंडिया है 224 और इसी तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली में भी नेक टू नेक फाइट है 2 सीटों पर, एक पर आप और एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त खेला ही हो रहा है जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है। राजस्थान में केरल में बीजेपी जहां आज तक खाता नहीं खुला वहां 2 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, यानी दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए और आप केरल की बात कर लीजिए, आंध्र की बात कर लीजिए, यहां पर बीजेपी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। एक पॉइंट और उसके बाद मेहमान के पास चलेंगे। ये जो सबसे अहम है अभी तक ये ट्रेंड है, रुझान है, ये बीजेपी या कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सब मान रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब तक के रुझान में बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी जो पीछे चल रही है उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है, 31,000 का ये मार्जिन हो चुका है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह लगभग 596 वोटों से बेगूसराय में पीछे हैं, निशिकांत दुबे गोड्डा से वो करीब करीब 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, आरके सिंह पीछे चल रहे हैं, मतलब इस तरह से कई नाम हैं जो लगातार ऐसे लिस्ट में नजर आ रहे हैं जो पीछे चल रहे हैं, यानी जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चेहरे भी अभी इस रेस में पीछे हैं और ये अभी कहा जा रहा है 1 घंटे के ट्रेंड के बाद शायद कुछ स्पष्टता नजर आएगी। लेकिन